कहींटम वालों का जो म्यूजिक है हमारी फिल्म के जो राइटर है बेसिकली वो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं अहमद मिराज साहब बहुत एक बड़ी मजे की चीज़ है मैं आपको बताऊंगी कि इट्स मेलोडी इस फिल्म में सिक्स सॉन्ग्स हैं और आफ्टर लॉन्ग टाइम फिल्म में इतने ज्यादा सॉन्ग्स हैं मतलब आप देखें अब Six. फिल्म अब फिल्म अब हम बहुत जल्दी में हैं हम कहते हैं जल्दी जल्दी करो, यार, फिल्म शुरू करो है या कुछ पार्टी टाइप हर का इंटरनेशनल कि अब गाने जो है ना बहुत कम हो गए ऐसे ही ऐसे लेकिन अब देखिए गाने जो है आप लोगों इसमें डाले तो वेरिएशन दोबारा लेकर आए मुझे ये बताएं कि आपको क्या ये नहीं लगता कि वेब सीरीज हो गई या नेटफ्लिक्स हो गया मैं यहाँ पे ये कुछ नहीं कहूंगी बट इट्स टाइप ऑफ ड्रामा या फिल्म फिल्म इज़ डिफरेंट। शुड हैव आपको yeah. ये हमेशा पब्लिक को देनी <coughs> चाहिए कि फिल्म देखनी है तो सिनेमा जाओ नेटफ्लिक्स hmm. पे अगर टीवी पे सब कुछ दिखाओगे तो आपको पता है कि इंडस्ट्री है जो पूरी तबाह हो रही है मतलब सारा आपका पर्सनली कौन सा फेवरेट सॉन्ग है इस मूवी का मेरी जाना मेरी जान। आपका भी आपका भी अपना बात बताइए बिल्कुल मेरा तो है ही तो है मेरी जाना जाने वाला <laughs> अच्छा अच्छा <असे laughs> जाना तो है ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है तो जरा गा के भी बता दीजिए हल्का सा मुझे तो आईडिया हो जाए कि गाने की जो स्टेटमेंट है अंतरा वो क्या है ऐसे है वो मेरी जाना मुझे ना भुलाना मेरी जाना

कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना जिसमें आपको वाइब्स आती है की, की। हमें भी देख लिया <laughs> <को> नहीं देखा गिलगित खूबसूरत आये लेकिन जो किरण है किरण का नाराज होना किरण का बार बार कान पकड़ना इसको मारना मुझे लगा। <laughs> अभी, अभी <laughs> हम लोग कराची से मार ही खाते जा रहे हैं ये तो गलत इंपैक्ट जा रहा है ना बहुत अच्छा सीन कौन से मूवी का मेरा फेवरेट सीन आ, एक सीन है उसमें मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और असद मुझे मतलब बड़े प्यार से लेकर आता है तबीयत खराब होती है मेरी मुझे उठाता है बेड पे बिठाता है और वो केयर करता है वो मेरा सबसे फेवरेट सीन है आ, तो आ, yes. आप बताइए अली साहब जब आपसे बात की जाती है तो आप बताएं आपका फेवरेट सीन कौन सा है मूवी का Uh, मेरा फेवरेट ये है कि इसमें एंड पे ना एक uh, डायलॉग है एक्चुअली वही हमारा मैसेज भी है कि इंसानियत जो है वो मारने से नहीं बचाने से बचती है तो वो बहुत उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया था असद ने हुँ. तो उसमें जो मैसेज जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसानियत को जब आप फोक देते हैं और इंसानियत जब आपकी इंसानियत को मतलब क्या है जब वो डिफ़ाइन किया जाता है ना तो वो बड़ी खूबसूरत चीज़ उन्होंने बयान की थी मुझे बताएं अब्दुल मनान आपका फेवरेट सीन कौन सा मुझे, मुझे है? तो लगता है मनान कहेंगे वो सीन जिसमें उन्होंने असद को पीटा है क्योंकि <laughs> जब से हैं आप यही कह रहे हैं yes, वो सीन जिसमें ये सब आते हैं और आप सबको हैं और मैं एक ही ओ। <laughs> ये उड़ के जाते हैं वो कमाल का सीन है और एक और सीन है जिसमें असद को एक, एक मेरी किक पड़ती है <laughs> क्या <आप> बात है <laughs> वो कहीं जैनम भी लग जाती है हल्की सी नोज के ऊपर तो उसका मुझे अभी भी अफसोस है

लेकिन ये करते थे ये ये होता ये था कि हम सेट कर रहे हैं टेक ले रहे हैं और अब गलगित में हम टेक ले रहे हैं उसके बाद अब इसकी टेक आनी है तो मनान को देखा तो मनान 300 फुट ऊपर चढ़ के जो है ना सेल्फियाँ ले रहे हैं तो, <laughs> तो मैं शाउट करता था इधर आओ जो है ना तो ये फिर फिर वापस आ जाना एक्सक्यूज करना है फिर करना है उसके बाद फिर जो है ना ये यानी फुल मतलब कैजे बच्चे किरण बहुत ओबीडियंट एंड सबसे बड़ी बात है कॉल टाइम पे जो है ना सेट के ऊपर होती है हाँ, <laughs> <वे था। laughs> ठीक है है असद असद का बताइए जी असद अली जो है, सिर्फ आ, सेट में आने में आधा घंटा लगाता था लेट लेकिन उसके बाद जो है ये वाहिद पूरी टीम में जिसके यानी मेरे साथ जो है ना इसका स्टेमिना बहुत स्ट्रॉन्ग है Ener यानी रात को बजे तक भी अगर एक टांग पे खड़े शूट चल हैं हैं सब थक गए, हो गए लेकिन ये जो है ना, इसने की कॉल से अच्छा, बताया ना ये जो माइंड थे तो सेट पे तंग नहीं करते थे आपको मुझे सबसे ज्यादा जो टाइम लगा ना इसके सीन्स पे लगा अच्छा। क्योंकि बेसिकली इसके सीन्स जो थे ना बहुत टफ सीन थे बाकी तो ज़्यादातर स्क्रीन प्ले में जो मैं खेला हूँ देखें स्क्रीन प्ले में ना वो स्क्रीन प्ले में न, मुकाल में बहुत कम होते हैं अच्छे स्क्रीन प्ले में तो इसके जो सीन्स थे उसके अंदर डिटेल लाजमी थी डिटेलिंग थी डिटेलिंग लाजमी थी तो उसने काफ़ी टाइम लिया राइटिंग में भी उसने फिर शूट पर भी रिहर्सल्स में भी तो इसके सीन्स हर स्टेज पर बोरिंग थे लेकिन जब अ स्क्रीन पे आए हैं तो सबसे ज्यादा मजेदार सीन थे हम्म ये बताएं मुझे रीटेक्स कौन लेता था अब्दुल रहमान yes. अच्छा अब्दुल रहमान साहब ने बहुत तंग किया भाई मुझे मजा आता था मजा आता था एक्चुअली अच्छा, <laughs> तो वो बात फकीर यानी कि आप दोबारा भी ने कास्ट करेंगे तो आपको तंग करेगा सबसे ज्यादा लेट कौन आता था इनमें से लेट नहीं ऐसा भी भी अपने शागिर्दों की इतनी भी तारीफ आ, ना करें कुछ तो बताएं हमें। नहीं नहीं मुझे किसी ने ने भी किया के से सारी टीम <laughs> ने बहुत ज्यादा थी बताएंगे लाहौर में जो तो है लेकिन ये सबसे पहले पहुंची होती आप बताइए आपकी नजर में आपको क्या लगता है की सबसे ज्यादा कौन था लेट कौन आता था नहीं मुझे लगता है सभी पंक्चुअल थे किसी ने हमें तंग नहीं किया टाइम के उसमें मैनेजमेंट में किसी ने तंग और आपकी किसके साथ सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग रही जब आप गिलगित या आउट ऑफ लाहौर ट्रैवल करके शूट करते थे मुझे मैं एक बात बताती हूँ मुझे तो इन्होंने काम में लगाए रखा ना इसलिए मुझे मुझे सिर्फ टेंशन रहती थी यार ये इनके फूड का इंतज़ाम है इनकी ये चीज़ ना रह जाए इनके सेट्स का इंतज़ाम इनकी चीज़ें तो इसलिए मेरी कोई स्पेशल नहीं वैसे सबके साथ है मतलब बहुत अच्छी है असद से मनान से किरण से अली से सबके साथ मतलब बहुत एक अच्छी कोऑर्डिनेशन रही और सबके साथ बहुत मज़ा आया बहुत एंजॉय किया बहुत टाइम हमने इकट्ठा स्पेंड किया और मुझे सबसे ज़्यादा मजा आता था जब मैं सुबह सुबह इनको उठाती थी <laughs> ये सब तक लपेट के कोई अपना ब्रश निकाल रहा होता था और फिर एक जगह और वो भी सर्दी में आप, आप ये सोचिए कि नलतर एक में ऐसी में। जगह है जहाँ पर हम लोग विद शूज विद सॉक्स विद जैकेट सो जाते थे oh, yeah, yes, वो हमें कोई दो घंटे मिलते थे और सुबह सुबह पानी नहीं मिलता था कि जहाँ पे जाके इन्होंने फ्रेश होना है जहाँ पे और इन्होंने तैयार भी होना होता था उसके बाद इन सब के हालात इतने बुरे तीन दिन बाद हो गए थे कि वो बड़ी मुश्किल से ना इनको तैयार किया जाता था फिर वहाँ पे आपको पता है कि स्किन फट जाती है स्किन टोन चेंज हो जाता है राइट राइट हिरोइन के साथ हमें बहुत फेस करना पड़ा क्योंकि उसको तो हमने स्क्रीन पर दिखाना है कि भी वो नहीं ऐसा कुछ हुआ लेकिन बस ये है कि बहुत अच्छा मतलब उसको इन सब ने बड़े अच्छे तरीके से इवन हम जहाँ जैसे होते थे ये सब के सब वैसे ही वहाँ पे हमारे साथ जो है ना आपस में कम्प्रोमाइज़ के साथ कितने घंटे की शूट होती थी पर डे तकरीबन आठ घंटे तो लग जाते थे सुकून से लेकिन ये होता था कि वहां पर कभी बारिश नहीं और कभी कुछ मतलब बारिश हो गई है, है तो ऐसा हुआ, हुआ कि प्रॉपर सेट रेडी है सब कुछ रेडी है लेकिन किसी ना किसी वजह से शूट कैंसिल हो गई नहीं बल्कि फाइव डेज हमारे मेरा खल में एक सीन के लिए हम लोग चार दफा गए चार दिन और जब वहाँ जाते थे बारिश हो जाती थी और हमें वही लोकेशन चाहिए थी हमेशा सेम टाइम पे बारिश hmm. स्टार्ट हो hmm. एक दफा तो इसने पहले कल करवाए <laughs> बारिश हो गई कल खुल गए <laughs> अब परेशान है वहां पे हमें कोई चीज नहीं मिल रही जहाँ पर हम इनके बाल दोबारा से सेट कर सके तो वो ये चीजें काफी फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता आई थिंक आई मस्ट से ये एक मेमोरी बन गई होगी अब इट्स